सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका हमारे चैनल लास्फर रोड पे। तो मैं आ चुका हूँ आज जयपुर, द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, और हमारा पहला स्पॉट है आज का आमेर फोर्ट। हमने एक्चुअली एक कैब बुक की 6 घंटों के लिए, जो हमसे अप्रॉक्सीमेटली 2000 चार्ज करेंगे और वो पूरा जयपुर हमें घुमाने वाले हैं। और आमेर फोर्ट है ऑन दी ओल्ड साइड ऑफ जयपुर। जयपुर एक्चुअली न्यू और ओल्ड जयपुर है, तो आपको सारे फोर्ट्स मिलेंगे इन दी ओल्ड जयपुर साइड। और हमने तो एक कैब बुक कर ली जो हमें पहाड़ों के ऊपर तक ड्राइव करके ले आया, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एक कैब बुक कर लें जो आपको लास्ट स्पॉट तक ले आएगा, और फिर वहाँ से आप 100 रुपीज़ की एंट्री टिकट लेकर आप आमेर फोर्ट घूम सकते हैं। और आमेर फोर्ट काफ़ी ह्यूज है और यहाँ इसे घूमने में हमें करीबन 1 घंटा लग गया। यहाँ से हम जा रहे हैं जल महल और फिर हम जाने वाले हैं हवा महल। अगर आपको सारी चीज़ें एक दिन में कवर करनी है तो आई रेकमेंड कि आप स्टार्ट करें आमेर फोर्ट से एंड एंड योर डे एट अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। मैं जयपुर घूमने आया हूँ विद माई फैमिली एंड दिस इज द फर्स्ट एवर वीलॉग विद देम। और यहीं से शुरुआत होती है आमेर सिटी की। आमेर फोर्ट लोकेटेड है पहाड़ों के ऊपर और इस पहाड़ का नाम था चील का टीला, विच मीन्स द हिल ऑफ ईगल्स। आमेर फोर्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, कैन यू सी इट? और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं माओथा लेक। दिस लेक इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर आमेर फोर्ट। इस लेक के बीचों बीच एक आइलैंड है जिसका नाम है केसर कैरी बाग। लेक बहुत खूबसूरत है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, क्योंकि आमेर फोर्ट जाके मैं आपको वहां से इसी लेक की एक एरियल व्यू दिखाने वाला हूँ। और यहीं से आप आमेर फोर्ट जाने के लिए एक टू एंड फोर टैक्सी ले सकते हैं फॉर 300 पर पर्सन विद 1 आवर वेटिंग इन आमेर फोर्ट। और अभी हम लोग आ चुके हैं इन द प्राइम मार्केट ऑफ आमेर सिटी। जयपुर से पहले आमेर वॉज द कैपिटल ऑफ द सिटी। आमेर फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द अम्बेर फोर्ट, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जयपुर से 11 किलोमीटर दूर सिचुएटेड ये आमेर सिटी करीबन 430 साल पुरानी है। यहाँ की इमारतें और मंदिर देख के आपको ये फील होगा कि आप आज भी राजपूत राजाओं के एरा में जी रहे हो। आमेर फोर्ट पहुंचने के पहले हम जा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन में जहां रंग दे बसंती और कई सारी मूवी शूट की गई हैं। इस व्लॉग में मैं आपको यहां की 5 बेस्ट स्पॉट्स दिखाने वाला हूं और पन्ना मीना का कुंड इज द फर्स्ट वन। दिस वॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर ऑल द पीपल इन आमेर सिटी एंड ऑल्सो अ रेस्टिंग प्लेस फॉर ट्रेवलर्स, बिजनेसमैन एंड सेंट्स, क्योंकि इसकी सीढ़ियां हमेशा ठंडी रहती है। कैसे है भाई ये टोपी? टोपी ले लो। कैसे है टोपी? टोपी ले लो। कौन कौन सी लेंगे? कितने की हो तो बता दे। ये वाला 100 रुपए की है। हाँ। ये वाला 150 का है, देख लो लगा के। हम निकल चले हैं हमारे आज के दूसरे स्पॉट की ओर जो है आमेर फोर्ट। 2017 तक आपको हाथी की सवारी करनी पड़ती थी आमेर फोर्ट पहुंचने के लिए, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। फाइनली एक अमेरिकन ने एलिफेंट राइड्स और एलिफेंट अब्यूज दोनों ही ऑफिशियली बंद करवाए और यहाँ शेयरिंग टैक्सी चालू की 2017 में। यहाँ आपको बहुत सारे गाइड्स मिलेंगे, टूरिस्ट गाइड्स, जो आपको हर जगह मिलेंगे और आपसे पूछते रहेंगे कि क्या आपको उनकी सर्विसेज चाहिए, तो वो आप ले सकते हैं इफ यू वांट टू। और सर गाइड करेंगे पैलेस के लिए? नहीं नहीं, थैंक यू। यहाँ पे 50 रुपीज पार्किंग का देना। हाँ दे रहे, एक मिनट। और सर गाइड भी ले जाते, जयपुर सिटी का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, 1 से 1.5 घंटा लगता है विजिट करने में, 22 पॉइंट्स अंदर देखने के लिए। 100 का टिकट है आपका इनसाइड में, विदाउट गाइड राउंड लगा के आएंगे कुछ मजा नहीं आएगा। सर अपनी बाइक से ऊपर आ जाएंगे, ओनली 150 चार्ज है, घूमने के बाद में देना है, गवर्नमेंट ऑथोराइज गाइड चलेंगे सर। नहीं ठीक है, थैंक यू। 150 फॉर ऑल ऑफ यू, घूमने आए, इन्वेस्ट करके देखिए सर, मजा आएगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू। चलिए सामने जो ऊंची दीवार आप देख रहे हैं वही है आमेर फोर्ट। वेलकम टू आवर सेकंड स्पॉट ऑफ द डे, द ब्यूटीफुल आमेर फोर्ट।
ऑन एन एवरेज एक दिन में करीबन 5,000 टूरिस्ट आते हैं आमेर फोर्ट घूमने। आमेर फोर्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1574 में एंड इट टुक 25 इयर्स टू कंप्लीट इट। और 2017 में आमेर फोर्ट वाज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ रहते थे हिंदुस्तान के राजपूत महाराजा और उनकी रॉयल फैमिलीज। इस फोर्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी राजा जय सिंह ने और कंप्लीट हुई जब राजा मान सिंह रूल कर रहे थे यहाँ। वैसे इस सेक्शन में आपको आखिरी एटीएम मिलेगा। अभी तक हम लोगों ने एक्चुअल फोर्ट की एंट्री नहीं की है। इन्हीं सीढ़ियों के बाद आपको एक एंट्री पॉइंट मिलेगी जहां पर पर्सन 100 रुपीस की टिकट लेके आप एंटर कर सकते हैं। इस एरिया का नाम है जलेबी चौक। यहां राजपूत सेना इकट्ठा हुआ करती थी युद्ध के पहले। और सामने है गणेश दरवाजा जिसे पार करते ही रॉयल फैमिली की प्राइवेट पैलेस स्टार्ट होती है और यहां सोल्जर्स नहीं आ सकते थे। ये क्रॉस करते ही सबसे पहले आपको मिलेगा मुगल गार्डन और शीश महल। शीश महल बना है प्रेशियस स्टोन्स और ग्लास से। मुगल आजम मूवी का वो आइकॉनिक गाना जब प्यार किया तो डरना क्या यहीं शूट किया गया था। There was a queen who loved sleeping under the stars, but ऐसा करना किसी भी रानी को अलाउड नहीं था। और उसी प्रॉब्लम का सलूशन है ये शीश महल। ये सामने है शीश महल का कमरा। शीश महल के अगर बीचों बीच दो दिए या कैंडल्स जलाए जाए तो पूरा शीश महल सितारों की तरह खिल उठता है। यही है राजा मान सिंह की ओरिजिनल पैलेस जहां वो अपनी 12 रानियों के साथ रहते थे। और यही है 12 अलग अलग कमरे सारी रानियों के लिए। ये जगह आपने मूवी जोधा अकबर में भी देखी होगी। आमेर फोर्ट वॉज ओरिजिनली बिल्ट अराउंड दिस पैलेस। आमेर फोर्ट काफी बड़ा है और यहाँ आपको बहुत सारी ऐसी सीढ़ियां टनल्स और दरवाजे मिलेंगे। आप जब भी आमेर फोर्ट आए एक एक कोना एक्सप्लोर करें एंड यू विल नेवर गेट लॉस्ट क्योंकि यहां हर जगह टूरिस्ट गाइड्स या पुलिस वाले मिल जाएंगे जो आपको रास्ता गाइड कर देंगे। इसके हर कोने में एक रहस्य एक कहानी छुपी है। तो आमेर फोर्ट आज एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है बट आज भी रॉयल फैमिली के लोग एक सेक्शन में रहते हैं जहां टूरिस्ट का जाना मना है। जब राजा अपने महल में रहते हैं तो एक पर्टिकुलर झंडा लहराया जाता है जो आप इस दूरबीन से देख सकते हैं एंड एज ऑफ नाउ आई कैन सी द झंडा। तो राजा अभी आमेर में ही है। आमेर फोर्ट तो काफी बड़ा है और काफी खूबसूरत भी है। और अगर आप जयपुर आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप येलो कपड़े ना पहने क्योंकि यहाँ एक पर्टिकुलर मस्कीटो है जो येलो कलर पे अट्रैक्ट होती है और आपके पूरे कपड़ों पे चिपक जाती है। नॉनदलेस आमेर फोर्ट काफी खूबसूरत है। वीलॉग के शुरुआत में जो माउथा लेक और केसर कायरी बाग हम लोगों ने क्रॉस किया था, लेट मी शो यू एन एरियल व्यू ऑफ दैट। आमेर फोर्ट के टॉप से आप पूरी आमेर सिटी और अरावली हिल्स के नजारे का लुफ्त उठा सकते हैं।
फोर्ट पे ही एक रेस्टोरेंट है विच इज़ 1135 AD और हमें काफ़ी भूख लग चुकी है तो वी आर हियर, लेट्स सी हाउ द फूड टर्न्स आउट टू बी। इस रेस्टोरेंट के पास है एक आउटडोर सिटिंग एंड इंडोर एयर कंडीशनिंग डाइनिंग एरिया। इसकी एग्जैक्ट मेन्यू और प्राइसिंग आप जोमैटो पे चेक कर सकते हैं। रेस्टोरेंट की वाइब्स काफी क्लासी और रॉयल है। यहाँ पानी पीने के ग्लास भी चांदी के थे। अंदर शूटिंग अलाउड नहीं थी इसलिए आपको यहाँ की फूड शो नहीं कर सकता मैं, बट खाना बहुत ज्यादा ही टेस्टी था। थोड़ा महंगा जरूर था, चार लोगों का हमारा बिल आया लंच का 4,000 रुपए। शीश महल में क्या चल रहा है? एंड दिस इज द टैक्सी स्टैंड एंड पार्किंग एरिया फॉर आवर कैब। वैसे यहाँ कुछ शॉपिंग ऑप्शंस भी हैं। ये 100 ये मतलब आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं जयपुर की बेस्ट स्ट्रीट शॉपिंग ऑप्शंस। अब हम बढ़ चले हैं हमारे आज के तीसरे स्पॉट के लिए। वेल, आपको बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स दिखेंगे जो हर जगह बहुत ही खाली और नीट दिखाते हैं। Do I believe in showing the real picture of the place? Watch the video till the end to see all the 5 spots that I've covered in this video. आपके सामने है मानसागर लेक। जल महल को बनवाया गया था 1699 में, बट ये लेक करीबन 100 साल बाद बनवाया गया। जल महल वैसे एक 5 फ्लोर की इमारत है और अभी इसकी सिर्फ टॉप फ्लोर ही विजिबल है। जल महल के बाहर भी आपको कुछ शॉपिंग ऑप्शंस मिलेंगे, बट दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन येट। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे स्पॉट की तरफ जो है हवा महल। हवा महल में इन टोटल 953 स्मॉल विंडोज हैं, जिसे हम कहते हैं झरोखा। हर झरोखे में लगे हैं नेट्स ताकि महल के अंदर कुछ ना दिखे। इसे बनवाया गया था 1799 में बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जिसके दादाजी वाज द फाउंडर ऑफ जयपुर। और 17th सेंचुरी में औरतों को घूंघट उतारने की अनुमति नहीं थी। राजपुताना घर की औरतें इन्हीं खिड़कियों से लोगों की एवरीडे लाइफ और स्ट्रीट फेस्टिवल्स देखा करती थी। 1 for 2, 10 rupees चार्ज। 10 rupees चार्ज, एक टोपी का, फोटो खिंचाने के लिए। Yes. दे दो, एक कौन सा है और दूसरा टोपी कौन सा है? सब एक ही है, तो फोटो कौन खींचेगा मेरा? आप ही खींचोगे। ला ला ला। सामने आप जो विंड व्यू कैफे देख रहे हैं वहां जाके आप इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स ले सकते हैं विद द हवा महल इन बैकग्राउंड। और ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये फ्रंट नहीं बल्कि इस फोर्ट की बैक साइड है। यहाँ रोड्स बहुत बिजी हैं, तो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल क्लिकिंग पिक्चर्स हियर। मेरी तरह अगर आपको स्ट्रीट शॉपिंग पसंद है देन हवा महल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। यहाँ ऑप्शंस भी बहुत हैं और प्राइस काफी ज्यादा रीजनेबल। वेल, दिस इज द 5th स्पॉट फॉर द डे जो है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जिसका निर्माण हुआ था 1887 में और यहां आप रात को भी विजिट कर सकते हैं।
और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ये ब्लॉग उतना ही पसंद आया हो जितना कि मुझे मज़ा आया इस पूरे जगह को एक्सप्लोर करने में। तो मिलते हैं जल्दी एक नए जगह एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।